फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप लोग ठीक ही होंगे, और जो ठीक नहीं हुए हैं वो जल्दी ही ठीक हो जाइए, क्योंकि मेरा आज से डेली ब्लॉग आने वाला है। हम कुछ दिन पहले वाला ब्लॉग में भी बोले थे कि हम डेली ब्लॉग बनाएंगे, बट हम डेली ब्लॉग नहीं बना रहे थे क्योंकि हमको कुछ मतलब कुछ कंटेंट भी नहीं मिल रहा था और घर से बाहर भी नहीं निकल रहे थे, और हमको लग रहा था कि आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। बट हम कुछ दिन पहले मतलब आज और कल ही किस मतलब बहुत लोगों से बात किए, तो वो लोग हमको बोला कि मतलब वो लोग से उसको बहुत इंस्पिरेशन मिला कि नहीं, हमको ब्लॉग बनाना चाहिए, तो बनाना चाहिए। और मेरा और भी था कि हम क्लास 9 में थे तो मेरा एग्ज़ाम चल रहा था और हमको पढ़ना भी था, तो इसलिए हम ब्लॉग नहीं बना रहे थे। तो आज से मेरे एग्ज़ाम सब भी सब ख़त्म हो चुके हैं, तो आज से हम डेली ब्लॉग बनाने वाले हैं। तो आप लोग को बता दें कि अभी हम बेड ही में बैठे हुए हैं और अभी हम ब्लॉग स्टार्ट किए, अभी जस्ट सो के उठे थे और उसके बाद हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हम फ्रेश होंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाते समय आप लोग से मिलते हैं। आटा गूंद चुके हैं और इधर अब हमको बस रोटी बनाना बाकी है, तो अब हम जल्दी से बनाते हैं। जल्दी से सारा रोटी बना के ख़त्म करना है, उसके बाद सिलना है। यह मेरा रोटी हम कैसे बनाए हैं आप देख सकते हैं, तो पलटाया जाए और अभी फूलेगा कि नहीं फूलेगा पता नहीं, देखते हैं फूलता है कि नहीं। हमको नहीं आता था रोटी बनाने, फुआ घर जब गए तब सीखे कि रोटी कैसे बनाते हैं, अब जानते कि रोटी कैसे बनाते हैं। और चलिए रोटी पूरा बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। फाइनली अभी मेरा रोटी बन के ख़त्म हो चुका है, अभी जाते हैं ब्रश करते हैं, फिर नहाते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। तब तक के लिए यहाँ के आ चुके हैं और रेडी भी हो चुके हैं और नाश्ता भी खा लिए। सॉरी, हम नाश्ता खाने टाइम नहीं बताए कि हम क्या खाए, तो हम नाश्ता खाने टाइम हम चाय रोटी खाए, क्योंकि हम सब्जी नहीं बनाए थे, क्योंकि आज हम थोड़ा सा लेट में उठे थे इसलिए तो जल्दी जल्दी करना था। फिर नहाए, फिर आए, फिर ब्रेकफास्ट खाए, फिर उसके बाद रेडी हुए, फिर अभी खा के ऐसे ही हैं, तैयार तो हो गए बट अभी नहीं निकले हैं स्कूल के लिए। मेरी फ्रेंड का कॉल आएगा, उसके बाद हम लोग निकलेंगे, तो वो अभी कॉल करती है, फिर जिसके साथ हम स्कूल जाते हैं वो हमको कॉल करती है, फिर वो पूछती है रेडी हुई कि नहीं, तो हम बोलते हैं रेडी हुए, फिर हम लोग दोनों साथ में जाते हैं। तो अभी मिलते हैं आप लोगों को स्कूल जाने टाइम, मतलब अभी कॉल आएगा उसके बाद स्कूल के लिए निकलेंगे, उस टाइम आप लोग को मिलते हैं। स्कूल जाने के लिए निकल चुके हैं, मेरी फ्रेंड को कॉल किए बट वो नहीं उठाई, तो अभी हमको उसके घर जाना पड़ेगा, फिर हम लोग दोनों जाएंगे। पता नहीं आज क्या हो गया, कॉल भी नहीं कर रही, टाइम हो गया लेकिन और मतलब फ़ोन भी नहीं उठा रही, तो अभी हम उसके पास जाते हैं, फिर उसके बाद आप लोग को मिलते हैं। कहाँ है बंदरी? ए बंदरी कहाँ है? एक हिरवाइन इधर बैठी है और इधर बंदरी किधर? अंधेरा में पूरा है, जल्दी आ। दोनों उसको लेके हम जा रहे हैं, अभी आज तो कॉल नहीं उठाई थी, अभी घर घुसे थे, फिर अभी हम लोग दोनों चले हैं स्कूल के लिए, जल्दी आ। तो अमलिन गुड मॉर्निंग बोलते सब लोग को। हाय, गुड मॉर्निंग सभी को। इसका वीडियो सभी लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो बहुत झूले हैं। क्या है, क्या है, क्या है? बड़ा हरामी हो बेटा। कोई कैसे धूने का बताओ। फोन में कौन घुस के धूने का बता। वो तो है, चलो अब जल्दी जल्दी स्कूल जाते हैं। तो हम लोग का स्कूल में तो एग्ज़ाम सब ख़त्म हो गया है, फिर भी हम लोग स्कूल जाते हैं, क्या पता नहीं, रोज़ स्कूल जाना पड़ता है और छुट्टी भी नहीं देती है सिस्टर, इसलिए हम लोग स्कूल जा रहे हैं। और ऐसे भी कल हम लोग का मतलब स्कूल में क्या बोलते हैं, कुछ कुछ आए थे मतलब सर लोग टीबी बीमारी के बारे में बताए, तो उसी के बारे में मतलब 20 नंबर का प्रैक्टिकल बोलिए, तो उसके बारे में सोचना पड़ जाएगा। हम तो गूगल से छाप लिए हैं। हम भी गूगल से ही सोचेंगे या फिर अपने से भी लिख सकते हैं, कोई ठिकान नहीं है, पीछे लड़का लोग झुंड आ रहे हैं। हम तो रोज़ सोच के जाते हैं कि मतलब 10th क्लास का फेयरवेल होगा, फेयरवेल होगा, बट पता नहीं कब 10th क्लास का फेयरवेल देती। पहले एग्ज़ाम के पहले बोली थी, फिर बोली एग्ज़ाम के बाद बोली, अब तो एग्ज़ाम भी लिख ली है, अब कब फेयरवेल देती है पता ही नहीं। प्रैक्टिस तो करेंगे जी? पता नहीं, हम तो कल ही से सोच रहे कि प्रैक्टिस करवाएगी, कुछ नहीं, आज देखते हैं। हम लोग को तो स्वागत गाना मिला है, गाना गाने का हम लोग को भी।
विदाई, रो रो के गाना हम लोग को हंस हंस के गाने उस बार इवन नहीं बोली थी, क्या बोलते हैं टीचर का विदाई में स्वागत गाना हम लोग को हंस हंस के गाओ जी, कहाँ खुशी कहाँ गई, खुशी मुस्कान कहाँ गई, बोले मुस्कान कहाँ चला गया बोल रही थी वैसे। तभी हम लोग जल्दी स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल है मेरा क्लासरूम पूरा इधर, और ये पीछे एक फ्रेंड है, इधर बहुत सारे फ्रेंड है, फिर इधर एक फ्रेंड है। आज हम लोग का होली का छुट्टी हो चुका है, तो अभी सब लोग चिल्लाते चल गई आधे ही लोग, और हम लोग आधे लोग इधर बच्चे। कितना दिन छुट्टी मिला है वो भी नहीं पता, शायद ओनली टू डेज। हम लोग स्कूल से निकल चुके हैं, अभी जा रहे हैं दोनों जन, पापा आगे में रुके हुए हैं, अभी पापा के साथ स्कूटी में फिर जाएंगे घर। तब तक स्कूल मतलब घर पहुंचते हैं, उसके बाद मिलते हैं। फाइनली अभी हम घर घुस चुके हैं, अभी ड्रेस चेंज करते हैं, उसके बाद आप लोग को मिलते हैं। तो गाइज आप लोग देख ही रहे होंगे कि अभी हम स्कूल से आकर ड्रेस चेंज कर लिए, और उसके बाद में अभी हम लंच भी खा लिए, अभी जाते हैं बर्तन धोते हैं बर्तन। सो इतना सारा मेरा बर्तन है, अभी हमको इसको धोना है, उसके बाद हम आप लोग से मिलते हैं। फाइनली हम अभी बर्तन धो के आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, अभी हमको घर झाड़ू मारना है, घर झाड़ू मारेंगे उसके बाद हम आप लोग से मिलते हैं। सो अभी हम जल्दी जल्दी झाड़ू मारते हैं, झाड़ू मार के आप लोग से मिलते हैं। तो फिलहाल अभी हम झाड़ू करके ख़त्म कर चुके हैं, अभी बेड सरियाते हैं, तो चलिए बेड सरियाते हैं। सरिया के ख़त्म कर चुके हैं, आप देख सकते हैं, तो अभी हम थोड़ा सा आराम करते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। सो गाइज अभी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं, क्योंकि पढ़ाई करना भी ज़रूरी है ना। तो अभी मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो गया, अब हम जाते हैं खाना खाने, खाना खा के आते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं। अभी हम खाना खा के आ चुके हैं, अभी एडिटिंग करते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। तो गाइज मेरा वीडियो एडिट हो चुका है, अगर आप लोग को पसंद लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, मेरा डेली ब्लॉग बनाने का ये पहला दिन था, और ये फर्स्ट ब्लॉग था डेली ब्लॉग बनाने का, और मेरा ब्लॉग रोज़ सुबह 6 बजे सुबह को पोस्ट होगा, तो आप लोग देखते रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो फिर से बोल देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बाय सब लोगों को।